वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी। यहां प्रियंका नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के पद ग्रहण समारोह में शामिल होंगी और उनका पदभार ग्रहण कराएंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अमेठी में मिली करारी हार पर तत्कालीन जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था। प्रियंका कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। बता दें कि कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी बार अमेठी के दौरे पर हैं। वहीं प्रियंका के दौरे को देखते हुए कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। करीब 4:30 बजे शाम को कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी के सामने होंगे। इस कार्यक्रम को दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद नाम दिया गया है। पीएम अपने मन की बात सुनाएंगे तो कार्यकर्ताओं के सुझाव और सवालों का जवाब भी देंगे। वाराणसी संसदीय क्षेत्र की शहर दक्षिणी, उत्तरी, कैंट, सेवापुरी और रोहिणिया विधानसभाओं में कार्यकर्ता संवाद का सीधा प्रसारण होगा। बड़ी स्क्रीन पर कार्यकर्ता पीएम मोदी का संवाद सुन सकेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी से सीधे जुड़ने के लिए नमो ऐप पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। इससे काफी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं पीएम मोदी की ओर से सुझाव और सवाल मांगने के बाद कार्यकर्ताओं और आम जनता की ओर से भी सुझाव और शिकायतों का क्रम शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप पर काशी की समस्याओं, विकास कार्यों को लेकर सजगता के साथ अपने विचार साझा किए हैं। वहीं देश के हालात को लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। किसी ने काशी में वर्षा जल संचय की महती आवश्यकता बताई है तो किसी ने बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा योजना और बैंक कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। संवाद के सीधे प्रसारण के लिए स्थान चयन के साथ अन्य तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। वहीं शहर दक्षिणी के बुलानाला स्थित अग्रसेन पीजी कॉलेज, उत्तरी विधानसभा के नाठी इमली स्थित गणेश मंडपम में, कैंट विधानसभा के निवेदिता शिक्षा सदन, सेवापुरी के कछवा रोड स्थित छवि गृह के मैदान में और रोहिणिया में गंगापुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम होगा।